नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर शाहजहांपुर से। श्री एस आनंद पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री नवनीत कुमार नायक क्षेत्र अधिकारी पुवाया के निर्देशन में थाना खुटार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 24 जून को श्री जयशंकर सिंह थाना अध्यक्ष खुटार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा समय 7 बजे चेकिंग के दौरान चांदपुर चौराहे के पास से एक बैगनार कार व 30,927 पाउच क्लिनिक प्लस शैम्पू बरामद हुए। थाना खुटार पुलिस द्वारा कल चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार को रोका गया, उसमें चेक किया गया तो उसमें 30,927 पाउच क्लिनिक प्लस शैम्पू के पाए गए। चालक का नाम फारूक था। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये माल साजिद को देने जा रहा था, जो पीलीभीत का रहने वाला है। उसने ये भी बताया कि ये माल हम कानपुर से लखीमपुर होते हुए फिर पीलीभीत जाता है और कस्बों में छोटे छोटे दुकानदार उनको बेच देते हैं। कुछ शैम्पू के पाउच को चेक किया गया तो उस पर कोई बैच नंबर तिथि कुछ नहीं लिखी हुई थी। बारकोड से मिलान किया गया तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि माल नकली है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया, उनके द्वारा इनके सैंपल लिए गए। क्लिनिक प्लस कंपनी है जो हिंदुस्तान लीवर, उसको भी उसके लीगल सेल को अवगत कराया गया है। जो साजिद है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे पूछताछ के बाद ही इसके स्रोत का पता चलेगा। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट।